नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओम के महत्व के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हम कभी भी किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले हम ओम जरूर बोलते हैं। ओम के बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। यदि आपको कोई शारीरिक परेशानी है तो ओम बोलने से और ओम का उच्चारण करने से आपकी सारी शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि आप ओम का उच्चारण किसी भी समय कर सकते हैं, दिन रात या फिर 24 घंटे में किसी भी समय, जब आपको समय मिले, और उसके लिए आपको एकांत की भी जरूरत नहीं होती। आप कहीं भी बैठ के ओम का जप कर सकते हैं। सिर्फ आपको मुख से अपने और जीवा से सिर्फ ओम ही तो बोलना है। ओम बोलते जाइए, भगवान को याद करते जाइए, क्योंकि पूरी सृष्टि के सभी देवी देवता इसी ओम में ही विराजमान है। यदि आपको सभी देवी देवता को खुश करना है और अपनी जिंदगी में खुशियां लेकर आनी है तो आप ओम का ही उच्चारण करें। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं। जब सृष्टि का सृजन हो रहा था तो उस समय सबसे पहले मुख से निकलने वाला शब्द ओम ही था, जब सृष्टि की संरचना हो चुकी थी, तो इसलिए ओम को सबसे पहला शब्द माना जाता है सृष्टि की रचना के समय, और इसीलिए इसकी महत्वपूर्णता और भी बढ़ जाती है। यदि आपको शारीरिक कष्ट है तो उसके लिए भी आप ओम का जाप करें, और यदि आपको तनाव रहता है तो उसके लिए भी आप ओम का जाप करें। जितनी भी समस्या जो आपके शारीरिक से लेकर हैं या हृदय से लेकर हैं या थायराइड से लेकर हैं, जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी सिर्फ ओम का जाप करने से ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि पूरे सृष्टि के देवी देवता इसी ओम में विराजमान हैं, और विराजमान होने की वजह से आप ओम के मतलब को अच्छे से समझ सकते हैं। ओम तीन वर्ण से मिलकर बना हुआ है, ओ उ ओम, और इन तीनों वर्णों के मिलने से एक अक्षर मिलता है ओम। तो वह शब्द हमारे ज्ञान और चिंता को बढ़ावा देता है और हमारी ज्ञान बुद्धि को भी तेज करता है। इसलिए ओम का महत्व हमारे जीवन में सबसे मुख्य और सबसे बड़ा माना जाता है। तो ये है ओम का महत्व, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।